भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति करें तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय महीना माना जाता है, क्योंकि इस माह में बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ में अपने ससुराल पृथ्वी पर आते हैं और भक्तजन ऐसे शुभ समय में जब उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो भोले बाबा तथा माता पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मन चाहा फल प्रदान करते हैं। तो आज हम आपको सावन सोमवार की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। श्रावण का महीना परम पवित्र मास माना जाता है तथा इस दिन जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ के निमित्त व्रत रख करके उनकी पूजा करता है, आराधना करता है और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। श्रावण मास के सोमवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठे, जल्दी उठकर के स्नान करें तथा शुद्ध एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, सावन सोमवार का व्रत जो करता है उसको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सफेद वस्त्र, लाल वस्त्र, पीले कपड़े या अन्य रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, लेकिन आपको काले रंग के कपड़े सावन सोमवार के व्रत में नहीं पहनना चाहिए। तथा जो माताएं बहनें व्रत करती है, वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि सिर धोकर स्नान करके ही व्रत का आरंभ करना चाहिए, लेकिन कतिपय मान्यताओं के अनुसार तथा हमारी प्राचीन परंपराओं के अनुसार सोमवार के दिन सर धोकर के स्नान नहीं किया जाता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, यदि कोई चीज शुद्ध है लेकिन लोक के विरुद्ध है तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा मन में संशयात्मक स्थिति बनी रहती है और वह कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए जो माताएं बहनें सावन सोमवार का व्रत करती है वो एक दिन पहले ही सिर धोकर के स्नान कर ले तथा अगले दिन सुबह सामान्य रूप से स्नान करें और जब स्नान करते हैं तो स्नान के जल में गंगा जल एवं काले तिल डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। पवित्र वस्त्र धारण करें, मस्तक पर तिलक भी लगा लेवे, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। भगवान की जब हम अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तब हमको अपने अंदर देवत्व सिद्ध कर लेना चाहिए। तिलक आप जैसा चाहें वैसा लगा ले, लेकिन तिलक अवश्य लगाएं और भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाए, नित्य प्रति का आप पूजन अर्चन करें तथा हाथ में जल, बिलपत्र, सुपारी, दक्षिणा, पुष्प, चावल, काले तिल, सफेद तिल, जो भी तिल उपलब्ध हो वो रख करके आप संकल्प करें। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना अथवा शपथ ग्रहण करना। संकल्प यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या फिर आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम कहा जाता है, और सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना, कोई इच्छा, कोई मुरादे यदि आपके मन में है और उसको लेकर के यदि आप व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाएगा। दोनों ही स्थिति में आपको संकल्प धारण कर लेना चाहिए। संकल्प आप अपनी मन की इच्छाओं को प्रकट करते हुए, अपना नाम तथा गोत्र बोलते हुए, जल हाथ में रख करके उसमें बिलपत्र और सुपारी, दक्षिणा, अक्षत, तिल इत्यादि रख करके और संकल्प धारण कर ले। मन ही मन आप बोल दे कि आज हे भोले बाबा, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं व्रत करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है।
यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम सहित पूरा नाम उच्चारित कर लीजिएगा और भोले बाबा से माता पार्वती से आप निवेदन करिएगा कि मेरे मन की इच्छाएं ये है। आपकी जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, आप उच्चारित करते हुए संकल्प भगवान भोलेनाथ के सामने अर्पण कर दीजिएगा। इसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। सावन सोमवार व्रत वाले दिन आप तीन प्रकार से व्रत होते हैं। आप चाहें तो निर्जला निराहार उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा एक समय भोजन करके भी आप उपवास या व्रत कर सकते हैं तथा फलाहार करके भी आप व्रत अथवा उपवास करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तीन पहर पूरे होने के बाद आप भोजन करें अथवा फलाहार करें। यदि आपको कोई दवाई लेना है, कोई औषधि ग्रहण करना है, ऐसे में आप सुबह पूजन इत्यादि कार्य संपन्न करके फल लेकर के या फलों का रस लेकर के या फलाहार लेकर के आप दवाई ले सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। इस व्रत में आप जल भी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। लेकिन अगर आप निर्जला निराहार उपवास करते हैं तो आपको कम से कम तीन पहर, तीन पहर का अर्थ होता है पहला पहर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रहेगा, दूसरा प्रहर सुबह 9 से 12 तक रहेगा तथा तीसरा प्रहर दोपहर 12 से 3 तक रहेगा। 3 बजे तक तीन प्रहर समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद चौथा प्रहर आरंभ हो जाएगा। उसके बाद आप फल या फलाहार ले सकते हैं, भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं या फिर आप यदि निर्जला व्रत करते हैं तो जल भी पी सकते हैं। और आप चाहें तो अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय भी व्रत का पारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। भोले बाबा भंडारी है और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। यदि आपसे कोई अनजाने में गलती हो जाए तो उसे भोले बाबा अवश्य ही क्षमा कर देंगे। आप प्रेम पूर्वक उनसे विनती करेंगे, क्षमा याचना करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रभु दयालु है, कृपालु है, वो आपको क्षमा कर देंगे। श्रावण सोमवार के दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज अंडे का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो पूरे श्रावण माह में इत्यादि जो वस्तुएं हमने बताई है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए तथा इस दिन आप यदि चाहें तो दाल बाटी चूरमा बना सकते हैं या दाल रोटी बना सकते हैं, खीर पूड़ी भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बिना स्नान किए आपको भोजन का निर्माण नहीं करना है और बिना भोग लगाए आपको वह भोजन स्वीकार नहीं करना है। और जो भोग आप लगाते हैं, जो नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं, उसके ऊपर एक बिल्व पत्र आपको अवश्य ही रखना चाहिए। सावन सोमवार का जो व्रत करता है उसको सावन सोमवार के दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। इसी तरह नाखून भी काटना नहीं चाहिए तथा इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने घर के बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह सावन सोमवार के दिन अगर आपके घर पर कोई भी याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। न जाने बाबा किस वेश में आ जाए, स्वयं भोलेनाथ भी आपके घर आ सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और सावन सोमवार के दिन बिल्व पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। नीचे गिरे हुए या फिर दुकान से लाए हुए बिल्व पत्र को धो करके उनकी डंडी तोड़ करके भगवान के पूजन में उपयोग करना चाहिए तथा सावन सोमवार के दिन आपको किसी भी प्रकार से कोई गलत अनैतिक या फिर पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप मासिक धर्म पीरियड में आ जाती है, रजस्वला अवस्था में आ जाती है, तो ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श करना पूजन करना वर्जित माना जाता है। अगर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो तो ऐसी अवस्था में भी आपको
व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए शिव मंदिर में जाकर के आप उनका जल से, कच्चे दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से और पंचामृत और पंचमेवा इत्यादि वस्तुओं से पूजन अर्चन करें। पिछला जो एक वीडियो हमने बताया है उसमें सभी सामग्री हमने विस्तार पूर्वक बता दी है, तो आप अपनी व्यवस्था के अनुसार भोले बाबा का पूजन करें। वैसे तो भोले बाबा बहुत सहज और सरल है, शिव को तो केवल जलधारा प्रिय है। यदि आपके पास कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो केवल जल की धारा भी लगा देंगे तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब हम कोई पूजन अर्चन करते हैं, पाठ करते हैं और हमारे पास सभी सामग्रियां उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में सर्वे अभावान अक्षतान समर्पयामि, यानी सभी चीजों के अभाव में, उनकी कमी में आप अक्षत यानी चावल चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भोले बाबा को जो अक्षत या चावल आप चढ़ाते हैं वो टूटे फूटे या खंडित नहीं होना चाहिए। चावल हमेशा गीले करके ही भोले बाबा के ऊपर चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा का पूजन शिवलिंग के ऊपर किया जाता है, यानी मूर्ति पूजा इसमें विशेष रूप से नहीं बताई गई है, शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व है। अगर आपके घर में कोई धातु का या पारे का शिवलिंग है तो आप उनका पूजन करें, नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी के जो शिवलिंग बनाए जाते हैं उनका सूर्यास्त होने के पहले पहले आपको विसर्जन कर देना चाहिए, तथा इसी तरह आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। पति पत्नी को, विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। रात्रि में भगवान के भजन तथा कीर्तन करना चाहिए और भगवान को जो वस्तुएं आप चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, उस समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोले बाबा को सभी वस्तुएं आपको अर्पण करना चाहिए। भोले बाबा की जो जलाधारी होती है वो पार्वती स्वरूपा होती है, वहां पर आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं, कंकु चढ़ा सकते हैं, लाल फूल, हल्दी, मेहंदी इत्यादि वस्तुएं सौभाग्य की जो होती है वो आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर आपको हल्दी, मेहंदी, सिंदूर या फिर लाल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का पूरी श्रद्धा के साथ आप पूजन करें। ध्यान रखें, जो जलाधारी होती है उसके ऊपर दीपक जला करके बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कई बार हम मंदिर में देखते हैं कि माताएं बहनें पूजन करने आती है लेकिन दीपक जलाधारी के ऊपर ही रख देती है, वे बिल्कुल गलत तरीका है। इसी प्रकार जो भोग की सामग्री होती है, नैवेद्यम की जो सामग्री होती है, फल होता है, वो भी भगवान के ऊपर नहीं रखना चाहिए। भगवान के सामने रख करके उसके ऊपर बिलपत्र रख करके जल आसपास घुमाना चाहिए, क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं, स्वयं भोजन करते हैं तो हमारे सर के ऊपर भोग नहीं रखा जाता है, सामने ही भोग लगा करके जल फेर करके निवेदन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए पूरे दिन भगवान का स्मरण तथा पूजन कार्य किया जाता है, उनके स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। आप चाहें तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर महामंत्र का जाप कर सकते हैं, या अन्य पवित्र स्तोत्रों का पाठ भी आप सावन सोमवार के दिन कर सकते हैं। सावन सोमवार का दिन बड़ा ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन आप कोई भी नए कार्य का शुभारंभ बिना मुहूर्त देखे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भोले बाबा के निमित्त जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आप शिव मंदिर जाएं तो वहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भोले बाबा की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, शिवस्यार्ध प्रदीक्षिणा, यानी भोले बाबा की शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का ही विधान है। इसी तरह भोले बाबा को जो नारियल अर्पण किया जाता है, जिसे हम श्रीफल कहते हैं, वो भी तोड़ा और फोड़ा नहीं जाता है, पूरा का पूरा सेंगा नारियल ही भगवान भोले बाबा को अर्पित किया जाता है।
तथा जो बिल पत्र चढ़ाए जाते हैं वो कोमल होना चाहिए। कटे फटे बिल पत्र भगवान को नहीं अर्पण किए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से जो फट जाते हैं वो बिल पत्र आप उपयोग में ले सकते हैं, उनका कोई दोष नहीं होता है। और बिल पत्र की जो ऊपर की जो डंडी है उसको तोड़ करके उसके ऊपर चंदन से राम नाम लिख करके भोले बाबा को चढ़ाना सर्वोत्तम माना गया है। भोले बाबा को शमी पत्र, भांग, भस्म भी अत्यधिक प्रिय होती है। अगर आपके पास ये उपलब्ध है तो आप ये भी सावन सोमवार के दिन उनको अवश्य चढ़ाएं। भोलेनाथ को दूध से बनी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं, खीर का भोग उनको लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। लेकिन कच्चा दूध भोले बाबा को चढ़ाया जाता है, स्वयं कच्चा दूध सावन में बिल्कुल न पिए। इसी तरह आप सावन सोमवार के दिन भोले बाबा का जब पूजन अर्चन करें तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि भोले बाबा को जो हम जल चढ़ाते हैं या दूध दही भोले बाबा के ऊपर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं वो स्वयं प्रसाद रूप में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शिव निर्माल्य का उपयोग केवल जो है त्यागी और विरक्त या फिर गुसाई लोग ही ग्रहण कर सकते हैं। गृहस्थ लोगों को शिव निर्माल्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहां जो पंचामृत जो भोले बाबा को स्नान करके चढ़ाया जाता है या स्नान कराया जाता है उसको भी भक्त को नहीं पीना चाहिए। विष्णु भगवान का निर्माल्य आप ले सकते हैं, शिव जी का निर्माल्य आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस तरह यदि आप सावन सोमवार की पूजा करेंगे, व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से भोलेनाथ का तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। अब हम आपको सावन सोमवार की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। मृत्युंजय महारुद्र त्राहिबाम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः, अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो सावन सोमवार की कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि ज्वालापुर नामक एक नगर में एक साहूकार सेठ निवास करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक पुत्र की, क्योंकि उसके यहां अभी तक पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई थी। इसी चिंता में साहूकार दिन रात जो है चिंतित रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की कामना से, संतान प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी तथा माता पार्वती का पूजन शिवालय में जाकर के किया करता था और संध्या होते ही शिव मंदिर में जाकर के भगवान शंकर जी के सामने वह शुद्ध घी का दीपक भी जलाया करता था। उसके इस परम भक्ति भाव को देख करके एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे भगवान, हे स्वामी, ज्वालापुर का साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत तथा पूजन बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया करता है तथा उस भक्त की जो मनोकामना है उसको आपको पूर्ण करना चाहिए। पार्वती जी के निवेदन करने पर भोलेनाथ माता जी के आग्रह को टाल नहीं सके और बोले कि हे पार्वती देवी, उस साहूकार के भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, लेकिन आपके आग्रह के कारण मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, परंतु उसके यहां जो पुत्र होगा वह अल्पायु वाला होगा, उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की होगी, इसके पश्चात वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव तथा माता पार्वती का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में जानकर न तो उसको विशेष प्रसन्नता हुई न ही उसे दुख हुआ। भगवान शंकर के वरदान से साहूकार की धर्मपत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो गई। साहूकार के घर में खुशियां छा गई। ठीक 9 माह के बाद में यानी 9 महीने व्यतीत होने के बाद साहूकार की पत्नी ने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने ब्राह्मणों और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन स्वरूप बहुत सारा दान पुण्य किया।
जब उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो पत्नी ने साहूकार से उसके विवाह के लिए आग्रह किया। साहूकार ने उसके इस आग्रह को टालते हुए कहा कि हे प्रिय, मैं अभी उसका विवाह नहीं करूंगा और उसे विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ाई करने के लिए काशी नगरी भेजूंगा। साहूकार के इस निर्णय पर पत्नी को बहुत दुख तो हुआ, लेकिन उसने इसका कोई विरोध नहीं किया। तब साहूकार ने अपने साले को यानी बच्चे के मामा को बुला करके बहुत सारा धन देकर के कहा कि तुम अपने भांजे को पढ़ने के लिए काशी नगरी लेकर जाओ, रास्ते में जिस भी नगर में रुको वहां पर यज्ञ करवाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ब्राह्मणों को दान पुण्य करना और आगे की यात्रा को तुम आरंभ करना। मामा भांजा जल्द ही काशी नगरी की तरफ प्रस्थान कर गए। काशी की ओर यात्रा करते हुए वह दोनों प्रताप नामक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में नगर को बहुत अच्छी तरह सजाया हुआ था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े शामियाने लगा करके बारात को ठहराया गया था। दोनों मामा भांजे उस बारात को देखने के लिए वहां पर चले गए। तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और अपने एक सेवक को भेज करके दोनों को अपने शामियाने में बुलाया। राजा अपने जिस बेटे की बारात लेकर के राजकुमारी से विवाह के लिए आया था, वह एक आंख से काना था। वैसे राजा ने सेहरे की बड़ी बड़ी लड़ियों के पीछे उसके चेहरे को छिपा दिया था, लेकिन वह इस बात से बहुत चिंतित था कि उसके काने बेटे होने का पता राजा को चल गया तो वह विवाह से इनकार कर देगा और हमारी बारात को वापस लौटा देगा। वर के पिता ने मामा भांजी को जब सारी बात बताई तो बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया, तो मामा ने स्वीकार कर लिया। साहूकार के बेटे को दूल्हा बना करके राजा की बेटी से विवाह करा दिया गया। फेरो और कन्यादान का कार्य संपन्न होने पर बारात वापस शामियाने में पहुंच गई। केवल साहूकार का बेटा वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां से निकलने से पहले परंग पर यानी बिस्तर पर सोई हुई राजकुमारी की ओढ़नी पर एक कागज लगा दिया। उस कागज पर उसने लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस दूल्हे के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी नगरी जा रहा हूं। जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी ओढ़नी में लगा हुआ वह कागज देखा और उसको पढ़ करके वह सन्न रह गई। उसी समय राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बातें बता दी। जैसे ही लड़की के पिता राजा को सारी बातें पता चली तो राजा ने दूसरे राजा के लड़के के साथ अपनी राजकुमारी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा अपने बेटे और बारात के साथ खाली हाथ वहां से लौट गया। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी नगरी जा पहुंचा। वहां जाकर मामा ने यज्ञ कराना आरंभ कर दिया और भांजे ने अपना विद्या अध्ययन का यानी पढ़ाई करने का कार्य शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। मामा को इस संबंध में कुछ भी पता नहीं था। उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ अभी चल ही रहा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, और लड़का जो है मामा जी से निवेदन करता है कि मामा जी, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं, आप यज्ञ का कार्य पूरा कराते रहिए। लड़का अपने कक्ष में जाकर के लेट गया और भगवान शंकर के वरदान के अनुसार लेटे ही लेटे उस बालक के प्राण पखेड़ उड़ गए। यज्ञ के बीच में मामा ने कक्ष में जाकर लड़के को जब मृत अवस्था में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन यज्ञ में विघ्न पड़ने के डर से उसने स्वयं पर संयम रखा और इस बात की चर्चा उसने किसी से भी नहीं की। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव तथा माता पार्वती यज्ञ स्थल से गुजर रहे थे।
भगवान शंकर और पार्वती जी ने समीप जाकर देखा तो उन्होंने उस साहूकार के मृत बेटे को फौरन पहचान लिया। पार्वती जी कहने लगी कि भगवान, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का वही बेटा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ है। हे प्राणनाथ, किसी भी तरह साहूकार के इस बेटे को आप जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प करके मर जाएंगे। पार्वती जी के आग्रह को भगवान शंकर टाल नहीं सके और उन्होंने उस लड़के को जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ करके बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। कुछ दिनों के बाद मामा भांजा दोनों पुनः प्रताप नगर पहुंचे और वहां पहुंच करके मामा भांजे ने यज्ञ आरंभ किया। संयोग से उस नगर का राजा उस स्थान से गुजर रहा था। राजा ने साहूकार के बेटे को यज्ञ करते हुए देखा तो फौरन उसे पहचान लिया और राजा ने दोनों मामा भांजे से अपने राजमहल में चलने का आग्रह किया। कुछ दिन उन्हें महल में रख करके दोनों का खूब आदर सत्कार किया और अपनी बेटी से कहा कि बेटी, क्या यही वह लड़का है जिसके साथ तुम्हारे सात फेरे हुए हैं, तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ है? बेटी ने कहा कि जी पिताजी, यह वही लड़का है जिसके साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ था। राजा ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और बहुत सारा धन देकर के, बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण और वस्त्र देकर के अपनी पुत्री राजकुमारी के साथ वहां से विदा कर दिया। दास दासियों के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक भी उनके साथ भेज दिए। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने एक सैनिक के हाथों अपने सकुशल लौटने की सूचना पहुंचाई। जब सैनिक ने आकर के यह समाचार दिया कि उनका पुत्र सकुशल लौट आया है तो उस वैश्य को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब सैनिक ने शपथ लेकर दोबारा यह बात कही तब वह अपनी पत्नी और अन्य सगे संबंधियों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया और गाजे बाजे के साथ उन्हें घर ले आया। राजकुमारी से बेटे के विवाह की सूचना ने उसकी खुशियों को दोगुना, राजकुमारी के साथ अपने बेटे के विवाह संपन्न होने के साथ उसकी खुशियों को दोगुना कर दिया। और इसी तरह भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से उन्हें अपना पुत्र पुनः प्राप्त हो गया। दोनों पति पत्नी तथा बहु बेटे नित्य प्रति भगवान शंकर का पूजन अर्चन करने लगे और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के वह नित्य प्रति भगवान की भक्ति करने लगे तथा इस लोक में सभी ने सुखों को भोगा और अंत लोक में शिव लोक को वह प्राप्त हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम ताय रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप सावन सोमवार के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या अन्नदान, गौदान, ब्राह्मण भोजन अथवा रुद्राभिषेक के निमित्त कोई भी नगद राशि आप प्रदान करना चाहते हैं या फिर श्रावण माह के निमित्त
कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सावन सोमवार का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के भगवान भोले बाबा की आरती का गायन करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज ते सोहे, भोले दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वन माला, मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। पर्वत में पार्वती जी विराजे, शंकर के लासा, भोले शंकर के लासा, भांग धतूरे के भोजन, भांग धतूरे के भोजन, भस्मी में वासा, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, भोले नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, सब मिल दर्शन पावत, महिमा अति न्यारी, ओम हर 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 महादेव। अवंतिका महाकाल विराजे, भक्तन हितकारी, भोले भक्तन हितकारी, नित उठ भस्म रमावत, सब मिल दर्शन पावत, महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, भोले पार्वती का प्यारा, भोले ऊपर जल धारा, भोले पीवत भंग प्याला, भोले भसमी रमाने वाला, भोले भूरी जटाओं वाला, भोले गले नाग काला, भोले भसमी रमाने वाला, भोले ऊपर जलधारा, भोले भूरी जटाओं वाला, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालां कुलितालकाये कपालमालां कृष्णशेखराय दिव्यांबराये दिगंबराये नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ मंत्र पुष्पांजलिः हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वर उभे श्रवणो दधातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम महाराजमाधिपत्यमह्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्ध परार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको भिगतो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्यावसान गृहे अविक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वात् चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पाद संबाहुभ्यान्धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदि शक्ति च विद्महे जगत माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री महाकालेश्वर महामृत्युंजय महारुद्र देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहिमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरोहर सर्वपापहरोहर। बोलिए महाकाल राजा की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भोलेश्वर भगवान की जय। शानेश्वर भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। पार्वती माता की जय। नागराज भगवान की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों माताओं बहनों आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ प्राप्त करिएगा। साथ ही यदि आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण सादर धन्यवाद।